वेलकम टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई जस्ट होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइज, आप लोग सोचेंगे कि आज मैं ये ब्लैक लुक में क्यों आई हूँ और ये मैंने ग्लव्स क्यों पहने हैं। सो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं आज एक बहुत ही ज्यादा अच्छी रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ। ये रिक्वेस्ट मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने, मे बी 1 मंथ से ऊपर होगी उनकी रिक्वेस्ट को, वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं ग्लव्स पहन के साड़ी वेयर करूँ। तो ग्लव्स मेरे पास तो थे नहीं, बट मुझे ग्लव्स ऑनलाइन मंगाने पड़े और ऑनलाइन मंगाने के लिए यहाँ पे मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, इसलिए 1 मंथ से ऊपर हो गया है। तो मैं आज उनकी रिक्वेस्ट को पूरी करने वाली हूँ। सो गाइस, मेरी ये वीडियो एक चैलेंजिंग वीडियो भी है कि कैसे आप लोग ग्लव्स की हेल्प से साड़ी वियर कर सकते हैं, मतलब ग्लव्स पहन के साड़ी वियर कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। और साथ ही साथ गाइज, ग्लव्स पहनना आज के डेट में, मतलब जो ये कोरोना टाइम चल रहा है उसके डेट में हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो ग्लव्स पहन के जो हमारा ये लुक आता है ना, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखता है। और आजकल तो वैसे भी आप लोगों को पता है, अपनी सेफ्टी का हम लोगों को काफी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और कोरोना टाइम चल रहा है और हर कोई चाहता है कि उसका मतलब सेफ्टी हो। तो मैंने एक डिफरेंट सा लुक ये क्रिएट किया है। और ये लुक क्रिएट करने के लिए मुझे मेरे ही सब्सक्राइबर ने कहा था, ये मेरे माइंड का आइडिया नहीं है। मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं भी मतलब ऐसा लुक क्रिएट करूं। और ये लुक जो क्रिएट किया था वो माधुरी दीक्षित ने क्रिएट किया था, जो इमेज मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप लोग देख लेना। तो माधुरी दीक्षित की तरह ही मैंने इसे क्रिएट किया हुआ है, यानी कि ग्लव्स पहन के मैंने अपनी साड़ी वियर की हुई है। सो गाइस, जैसे यहाँ पे माधुरी दीक्षित ने, आप लोग देख सकते हैं, उन्होंने यहाँ पे मतलब नेकलेस भी पहना हुआ है और इयररिंग भी छोटी सी पहनी है, बट मेरे पास नेकलेस था नहीं तो मैंने पहना नहीं। और इयररिंग मेरे पास थोड़ी सी, ये प्यारी सी इयररिंग है, तो मैंने सोचा चलो इसको पहन लेती हूँ, इसमें मैच भी हो रहा था तो इसलिए मैंने पहन लिया है। बाकी गाइज, ये लुक बहुत ज्यादा औसम लगता है आजकल, मतलब अगर आप लोग आजकल, वैसे शादी ब्याह तो शुरू हो ही चुके हैं, अगर आप लोग आजकल, मतलब आप लोग आजकल जो ये कोरोना टाइम चल रहा है, ऐसे में इस तरीके का लुक क्रिएट करती हैं ग्लव्स पहन के, मतलब इस तरीके का लुक क्रिएट करती हैं, तो आप लोग बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखने वाले हो। इसमें कोई भी मतलब ऐसा वो नहीं है कि आप लोग लगोगे नहीं, मैं आपको 100% बोल सकती हूँ आप लोग बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखने वाले हो। तो चलिए, अब ज्यादा बातें नहीं करती हूँ, आप लोगों को डायरेक्ट दिखाती हूँ कैसे मैंने इस लुक को क्रिएट किया हुआ है। सो गाइज, ग्लव्स मैंने पहन लिए हैं और अभी मैं ले रही हूँ अपनी साड़ी, फिर मैं वही साड़ी पहन रही हूँ। आप लोग दोबारा इस चीज़ को मतलब नेगेटिव मत लेना कि मैं फिर वही साड़ी पहन रही हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि मेरे पास ब्लैक कलर की एक ही साड़ी है। मैं ज़्यादा साड़ी ब्लैक कलर की वियर नहीं करती हूँ, ना ही पहनती हूँ। सो यही साड़ी मेरे पास थी और मुझे रिक्वेस्ट जो आ रही थी वो यही था कि ब्लैक कलर में मैं ही मतलब इस लुक को क्रिएट करूँ। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने गांठ बना ली है, जो कि मैं हर साड़ी पर बनाती हूँ। तो मैं इसे यहाँ पे टचअप कर लूंगी। सो अब मैं इसे अच्छे से टचअप कर लूंगी अपनी पूरी। सो टचअप मैं इसे अच्छे से कर लिया गाइस। और अभी मैं इस पे जो मेरा मतलब पल्लू है, शोल्डर पे मैं पल्लू रखूंगी, उसे निकाल लूंगी कि मुझे कितनी शोल्डर के लिए मतलब पल्लू चाहिए अपना। तो अभी मैं पहले उसे निकाल देती हूँ। सो वो देखूंगी मैं मुझे कितना चाहिए। तो देख सकते हैं आप लोग, मुझे इतना ही पल्लू की जरूरत है। सो जो ये मेरा बचा हुआ मतलब इतना जो स्पेस इसका बचा हुआ है, इससे मैं अपनी प्लेट्स बनाऊंगी। तो प्लेट्स बनाने के लिए गाइस, यहाँ पे मैं इसे ऐसे टाइट कर लूंगी। तो टचअप करने के लिए गाइस, आप लोग चाहें तो अपने ब्लाउज के यहाँ पे एक पिन, सेफ्टी पिन लगा के इसे टचअप कर सकते हैं, बट मैं नहीं लगाऊंगी अभी, क्योंकि मैं इसे जिस तरीके से मैं साड़ी पहनती हूँ उसी तरीके से पहनूंगी। तो मैं इसे यहाँ पे ही देख सकते हैं आप लोग, इसे थोड़ा मैं नीचे करूंगी और अपने नेवल के जस्ट नीचे इसे यहाँ पे ऐसे करके
टक कर दूंगी। तो ये टक हो चुका है और ये मेरा टाइट हो चुका है। तो बचा मेरे पास ये वाला पोर्शन, तो इससे मैं बनाऊंगी प्लेट्स। तो प्लेट्स बनाने के लिए गाइस देखिए आप लोग, वही फिंगर में यूज़ करूँगी और ग्लव्स में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है प्लेट्स बनाना, बट ये मेरा एक चैलेंज है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी सारी ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसमें सिर्फ लोग ग्लव्स बाद में पहनते हैं, पहले साड़ी वेयर कर लेते हैं। बट मेरा ये चैलेंज है कि ग्लव्स पहन के अगर आप लोग साड़ी वेयर करें तो और भी अच्छा है। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैं अपनी प्लेट्स बनाऊंगी, थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है। सो देखिए आप, प्लेट्स मेरी बन चुकी हैं, अब मैंने सेट करूंगी अच्छे से। तो मैंने इनको कवर कर लिया है, अब मैं इन सबको सेट करूंगी अच्छे से ताकि मेरी जो प्लेट्स हैं वो बहुत अच्छी बन जाए गाइस। सो गाइस हमारी जो प्लेट्स थी वो बन के रेडी हो चुकी हैं और मैंने इसे टक भी अच्छे से कर लिया है। प्लेट्स बहुत अच्छी बनी है और ये प्लेट्स एकदम से बन जाती हैं। आप लोग चाहें तो सेफ्टी पिन लगा सकते हैं, अभी मैं इस पे सेफ्टी पिन लगा लेती हूँ ताकि मेरी जो ये प्लेट्स हैं ये बिल्कुल सेट रहें। तो यहाँ पर मैं सेफ्टी पिन का यूज़ कर रही हूँ। सो मैंने इस पर यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा लिया गाइस और हमारी प्लेट्स बन के रेडी हो चुकी हैं। अब मैं अपने शोल्डर के प्लेट्स बनाऊंगी। अब मैं जो अपना अपर का प्लेट्स है वो नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे ये अपना ओपन पलू रखना है, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को अभी जस्ट पिक दिखाई है माधुरी दीक्षित ने जिस तरीके से वेयर की थी ब्लैक साड़ी, उसी तरीके से मैं भी इस साड़ी को वेयर करना चाहती हूँ। सो मुझे पल्लू यहाँ पे अपना ओपन रखना है, तो चलो पल्लू अपना सेट करते हैं। तो गाइस पल्लू सेट करने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस जो मैंने आपको ये पोर्शन बताया था बस इस पोर्शन को हमने ऑलरेडी यहाँ पे टाइट करा हुआ है, और हल्का सा गाइस आपने जो ये बॉर्डर होता है इस बॉर्डर को आपने यूं टाइट खींचना है, बहुत बिल्कुल टाइट करना है, लूज नहीं छोड़ना है। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे करके ऐसे, इसको थोड़ा सा नीचे करके यूं करके यहाँ पे सेफ्टी पिन ली है, सेफ्टी पिन से इसे टक कर लेना है। तो चलो इसको सेफ्टी पिन से टक करते हैं। थोड़ा सा दिक्कत आ रही है गाइस, हल्का सा दिक्कत, क्योंकि ग्लव्स में साड़ी वेयर करना बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है। मैं तो पहली बार वेयर कर रही हूँ मतलब ग्लव्स पहन के साड़ी, बट इतना ज़्यादा भी नहीं होता है, लग जाता है। सो देख सकते हैं आप लोग मेरा पूरा मतलब साड़ी लग चुकी है, और अब मैं थोड़ा अपना मतलब जिस तरीके से माधुरी दीक्षित रेडी हुई थी इस लुक को क्रिएट करने के लिए, तो मैं उस तरीके से रेडी होके आप लोगों को मिलती हूँ। देखा ना आप लोगों ने, बहुत ही इजी तरीके से मैंने इस लुक को क्रिएट किया है। हाँ थोड़ा बहुत डिफिकल्टी हुई मुझे इस लुक को क्रिएट करने में, क्योंकि अगर आप लोग ग्लव्स हाथ पे पहनते हैं और फिर साड़ी वेयर करते हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आप लोगों को साड़ी वेयर करने की बात नहीं है, अगर हम ग्लव्स पहन के कई चीजें भी करते हैं तो बट हमें थोड़ी बहुत मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। सो थोड़ी बहुत डिफिकल्टी तो आई, बट मेरा ये चैलेंज था आप लोगों के लिए कि आप लोग भी इस तरीके से ग्लव्स पहन के साड़ी वेयर कीजिए। और साथ ही साथ ये मैंने एक सेफ्टी के पॉइंट से भी इस वीडियो को बनाया कि अगर आप लोग भी कोरोना टाइम में इस तरीके से साड़ी वेयर करेंगे तो आप लोगों का एक अलग सा लुक तो दिखेगा ही दिखेगा, साथ साथ आप लोग अपनी सेफ्टी भी रख पाएंगे। सो गाइज यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, आप लोग मुझे ये कमेंट मत कीजिएगा कि मैंने पिछली बार भी अपनी वीडियो में यही साड़ी पहनी थी और इस बार भी यही पहनी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे पास ब्लैक कलर की एक ही साड़ी है, मैं ज्यादा साड़ी ब्लैक कलर की नहीं पहनती हूँ क्योंकि हमारे में ऐसा नहीं पहना जाता, मतलब शादी के बाद ब्लैक व्हाइट ज्यादा नहीं पहनते हैं। तो मैंने एक ही साड़ी बनाई थी, वही मैंने पहनी थी। सो मैंने सोचा जब मैंने ब्लैक कलर के ग्लव्स लिए हुए हैं तो इसके साथ ब्लैक कलर की साड़ी ही वेयर करनी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। सो आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा औसम मेरा लुक लग रहा है। अगर ये लुक फर्स्ट टाइम माधुरी दीक्षित ने किया था जो कि बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था गाइज। सो अगर आप लोग भी इस कोरोना टाइम में अपनी सेफ्टी चाहते हैं और आप लोग भी साड़ी वेयर करते हैं तो ये ग्लव्स पहन के साड़ी को वेयर जरूर करें।
बहुत ज्यादा ऑसम लगने वाले हो आप। तो चलिए गाइज, अब ज्यादा बातें नहीं करती हूँ और आप लोगों को मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू ऑल।